हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकें और लेखक। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एसएससी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई दिक्कत ना हो, और ये बहुत छोटा ही वीडियो होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर बोलिएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँगा। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक मैं आगे इस पार्ट को नहीं बनाऊँगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा या अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ये बेल का आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप ये पहले कर लें। ये करना बिल्कुल मुफ्त होता है और इसका एक फ़ायदा भी होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाएगा। तो ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ये लाल बटन है से दबाकर हमें सब्सक्राइब करें, और विलंब न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो है ये, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए ये जोड़ी है, इसमें से कौन सुमिलित नहीं है, हुमायूं नामा हुमायूं, बाबर नामा बाबर, तुजुके जहांगीर जहांगीर, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर। तो कौन सा जोड़ी जो है वो इसमें सुमिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने इसे लिखा था। तो ये जो है ऑप्शन हमारा सही है, ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एसएससी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके लेखक हैं नेहरू जी, ठीक है। आगे देखते हैं, उपन्यास पिंजर किसने लिखा है, उपन्यास पिंजर किसने लिखा है। देखिए उपन्यास पिंजर के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित 2003 की फिल्म यह है पिंजर। फिल्म भारत के विभाजन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की समस्याओं के बारे में है। फिल्म अमृता प्रीतम द्वारा लिखित इसी नाम के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है। उर्मिला मातोड़कर, मनोज वाजपेयी और संजय सूरी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी है ये फिल्म। कौन सी फिल्म, तो पिंजर, ठीक है। तो इसके जो उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमृता प्रीतम, तो ऑप्शन है चौथा अमृता प्रीतम, ठीक है। आगे देखते हैं, द अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई, उसके लेखक कौन है। तो ये चार ऑप्शन है, पहले आप टिक लगाकर देख लीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, भारतीय फिल्मकार श्याम बेनेगल ने फातिमा मीर की पुस्तक द अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा फिल्म का रूपांतरण कर इस फिल्म की रचना की थी। फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले रजित कपूर, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, रजित कपूर को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो किसके द्वारा लिखी गई बुक थी, कौन थे लेखक, तो फातिमा मीर जिसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी और इनके ऊपर में ये मूवी बनी थी। निम्नलिखित में से पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुगल राज आनंद की थी। तो मुगल राज आनंद के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके बारे में आप लोग को पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ। मुगल राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक थे। मुगल राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1904 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। साहित्य जगत में उनका नाम हुआ उनके उपन्यास अनटच बेल्स से, उसमें उन्होंने भारत में अछूत समस्याओं का बेबाक चित्रण किया था। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है तो इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, मुल्क राज के बारे में, ठीक है। बेबाक चित्रण किया, उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सोर्ड एंड द सिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है सब, ठीक है। तो इनमें से कौन है वो, तो द विजल, इसका आंसर होगा द विजल। मुल्क राज आनंद की रचना है द विलेज, ठीक है, द विलेज। इनके बारे में आपको ये यहाँ से इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, अब जानकारी रखिए, सामान्य ज्ञान के लिए भी इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है भाई, चार ऑप्शन दिया गया है। क्रिएटिविटी एंड वर्क नामक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक थे
थे। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एसएससी में व्यापम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं आप लोगों ने, ये विष्णु शर्मा जी की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मधुशाला किनकी कृति है, देखिए मधुशाला किनकी कृति, ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है। प्री में मैथिलीशरण गुप्त, रविंद्रनाथ, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। देखिए अब मधुशाला के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मधुशाला हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, 1907 से 2003 का अनुपम काव्य है। इसमें 145 रूबियाँ यानी चार पंक्तियों वाली कविताएँ हैं। मधुशाला 20वीं सदी की शुरुआत के हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है जिसमें सूफीवाद का दर्शन होता है। देखिए चार पंक्तियाँ मतलब है ये, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइन है, आप इनकी पंक्तियों को अवश्य देखें। तो इसका आंसर है मधुशाला की कृति हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। आगे देखते हैं, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है। तो पैराडाइज लास्ट के लेखक, देखिए पैराडाइज लास्ट मिल्टन नामक आंग्ल कवि का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ठीक है। तो कौन है मिल्टन, मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लास्ट। उपन्यास गोरा के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस पेपर उठा के देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रविंद्र नाथ। तो इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा, इसका आगे का पार्ट आप लोगों को लगता है कि मैं बनाऊँ, तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। और आपने अगर पहली बार हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके बताएंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देखें अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।